हजारा गीतों च अपनी खूबसूरत आवाज जादू बखेरण वाली सुरां दी मलिका लता मंगेशकर ने अज ब्रीच कैंडी हस्पताल विच आखिरी सांस ली। दस दईए कि वह पिछले 29 दिनों तो मुंबई के ब्रीच कैंडी हस्पताल च भर्ती सन। इस दौरान फैंस भी लता मंगेशकर के ठीक होने दी दुआवां कर रहे सन, पर अज 92 साल की स्वर कोकिला ने इस दुनिया नू हमेशा लिए अलविदा कह दिता। लता मंगेशकर पिछले काफ़ी समय तो जहरीला सन। बीते दिन उन्हां दी सेहत काफ़ी खराब हो गई सी अते वो वेंटीलेटर ते सन। अपनी आवाज़ राही गीतां विच जान पाण वाली लता मंगेशकर दे देहांत नाल एक सुनहरी युग का भी अंत हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर च 28 सितंबर 1929 जन्मी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच नाल जुड़े हुए सन। साल 1942 13 साल की छोटी उम्र में ही लता के सिर तो पिता का साया उठ गया अते अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी उन्हें अपने सिर ते ली। लता दीदी मीना खादेकर, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर अते हृदय नाथ मंगेशकर अपने भरा भैणा तो सब तो वड्डी सी। अपने भरा भैणा के बेहतर भविख लई लता ने विआह नहीं सी करवाया। 7 दहाकियां तो वध दे करियर च इंदौर च जन्मी स्वर कोकिला मंगेशकर ने 1000 तो वध हिंदी फिल्मों के नाल नाल वख वख खेतरी अते विदेशी भाषावां च हजारां गीतां नूं अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर ने हजारा सुपरहिट गीतों विच अपनी आवाज़ का जादू बिखेरिया। उन्होंने हर पीढ़ी नाल काम किया अते लोकां दा बहुत प्यार बटोरिया। उन्होंने अपनी आखिरी एल्बम मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा नाल रिकॉर्ड की सी। दरअसल स्वर कोकिला ने साल 2004 विच रिलीज हुई फिल्म वीर जारा दे गीतां नूं अपनी आवाज़ दी सी। मंगेशकर दा आखिरी गीत सुगंध मुझे इस मिट्टी दी 3 मार्च 2021 नूं भारतीय फौज नूं श्रद्धांजलि वजों रिलीज़ किया गया सी। अज भारत च लता मंगेशकर नूं पूजन दी हद तक प्यार किया जाता है। कई लोग उन्हां दी आवाज़ नूं परमात्मा दा सब तो विलखण तोहफा मनदे हन। लता मंगेशकर नूं 1999 च फिल्मां दे सब तो वड्डे पुरस्कार दादा साहिब फालके अते 2001 च भारत दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नाल नवाजा गया सी। अज भी दर्शक लता मंगेशकर दी आवाज़ ते गीत सुनना पसंद करदे हन। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। हजारा गीतों च अपनी खूबसूरत आवाज़ दा जादू बखेरण वाली सुरां दी मलिका लता मंगेशकर ने अज ब्रीच कैंडी हस्पताल विच आखिरी सांस ली। दस दईए कि वह पिछले 29 दिनों तो मुंबई के ब्रीच कैंडी हस्पताल च भर्ती सन। इस दौरान फैंस भी लता मंगेशकर के ठीक होने दी दुआवां कर रहे सन, पर अज 92 साल की स्वर कोकिला ने इस दुनिया नू हमेशा लिए अलविदा कह दिता। लता मंगेशकर पिछले काफ़ी समय तो जहरीला सन। बीते दिन उन्हां दी सेहत काफ़ी खराब हो गई सी अते वो वेंटीलेटर ते सन। अपनी आवाज़ राही गीतां विच जान पाण वाली लता मंगेशकर दे देहांत नाल एक सुनहरी युग का भी अंत हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर च 28 सितंबर 1929 जन्मी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच नाल जुड़े हुए सन। साल 1942 13 साल की छोटी उम्र में ही लता के सिर तो पिता का साया उठ गया अते अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी उन्हें अपने सिर ते ली। लता दीदी मीना खादेकर, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर अते हृदय नाथ मंगेशकर अपने भरा भैणा तो सब तो वड्डी सी। अपने भरा भैणा के बेहतर भविख लई लता ने विआह नहीं सी करवाया। 7 दहाकियां तो वध दे करियर च इंदौर च जन्मी स्वर कोकिला मंगेशकर ने 1000 तो वध हिंदी फिल्मों के नाल नाल वख वख खेतरी अते विदेशी भाषावां च हजारा गीतों नूं अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर ने हजारा सुपरहिट गीतों विच अपनी आवाज़ का जादू बिखेरिया। उन्होंने हर पीढ़ी नाल काम किया अते लोकां दा बहुत प्यार बटोरिया। उन्होंने अपनी आखिरी एल्बम मशहूर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा नाल रिकॉर्ड की सी। दरअसल स्वर कोकिला ने साल 2004 विच रिलीज हुई फिल्म वीर जारा दे गीतां नूं अपनी आवाज़ दी सी। मंगेशकर दा आखिरी गीत सुगंध मुझे इस मिट्टी दी 3 मार्च 2021 नूं भारतीय फौज नूं श्रद्धांजलि वजों रिलीज़ किया गया सी। अज भारत च लता मंगेशकर नूं
पूजन की हद तक प्यार किया जाता है। कई लोग उन्हों की आवाज़ को परमात्मा का सब तो विलखण तोहफा मानते हैं। लता मंगेशकर ने 1999 फिल्मों के सब तो वड्डे पुरस्कार दादा साहेब फाल्के 2001 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नवाजा गया सी। अज भी दर्शक लता मंगेशकर की आवाज़ ते गीत सुनना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।